हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो अपने गहन चिंतन के लिए जाने जाते हैं। आज रामचरितमानस पर कुछ बात कही उन्होंने, आइए जानते हैं क्या। सर, ये रामचरितमानस पर क्या आपत्ति आपने आज दर्ज की है? देखिए, वो तो क्योंकि कई मीडिया के लोगों के माध्यम से तुलसीदास जी की रामायण की कुछ चौपाइयों को इंगित करते हुए सवाल पूछा गया, जिसके विषय में मैंने जो सच होना चाहिए था उसे मैंने कहा। मेरी मान्यता है धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। धर्म किसी भी जाति वर्ग और वर्ण विशेष को गाली देने के लिए नहीं होता है। तुलसीदास जी की लिखी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में कुछ अंश ऐसे हैं जो जाति विशेष, वर्ण विशेष और वर्ग विशेष को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने का काम किया गया है। उसी चौपाई का एक हिस्सा है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, और इत्तेफाक से जिन जातियों का मैंने नाम लिया तुलसीदास की चौपाई का वो हिस्सा, ये सभी जातियां हिंदू धर्म की अनुयायी हैं, कोई गैर नहीं। और जाति का नाम लेके इनको कहा नीच है, अधम, तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार, जो सभी शेड्यूल टाइप शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास की है। नीच और अधम होने का प्रमाण पत्र देंगे कोई धर्म के ठेकेदार? यही नहीं, उसी चौपाई में एक अंश और भी आता है कि ढोल गंवार शूद प्रश्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र इनकी नजर में पशु हैं, मारने के लिए मार खाने के लिए पैदा हुए हैं, दंडित किए जाने का प्रावधान धर्म के माध्यम से किया जाएगा। शूद्र कौन है? वो भी हिंदू धर्म का मानने वाला है। तथा कथित शूद्र वर्ण में ही सभी आदिवासी अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग के सब लोग आते हैं। और यही नहीं, नारी हमारी संस्कृति है, नारी सम्मान का, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम नारियों का सम्मान करते हैं। लेकिन तुलसी बाबा की रामायण में इस चौपाई के माध्यम से क्या कहा गया? ये भी ताड़ना के अधिकारी है। कौन नारी? पूरे देश की आबादी की आधी आबादी है नारियों की। क्या नारी का सम्मान नहीं है? उसकी भावना नहीं है क्या? शुद्ध समाज में पैदा होने वाले आदिवासी दलित और पिछड़ों की भावना का ख्याल धर्माचार्यों को नहीं होना चाहिए क्या? जाति लेकर के अपमानित करने वाले धर्म के ठेकेदारों को इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए? अगर इस चौपाई पर आपत्तिजनक शब्दों पर टिप्पणी की जाती है, धर्माचार्यों का सर दर्द करने लगता है, पेट में दर्द होता है, कहते हैं धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, गाली धर्म है। अगर गाली धर्म है तो हम भी आपको गाली देने के तैयार, आइए आप बैठिए, मैं आपको भी गाली देता हूँ। आप मेरे खिलाफ एफ आई आर करने चले जाओगे गाली दूंगा तो, और आप मेरे खिलाफ गाली दे रहे हो तो हम बोल भी नहीं सकते। तो इस तरीके से धर्म का मजाक उड़ाते हैं ये लोग, और धर्म की ठेकेदारी के नाम पर इस देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों को, महिलाओं को, शूद्र समाज में पैदा होने तथा कभी जातियों को जो अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, ये उनको मुबारक हो। हम गाली खाने वालों के लिए धर्म नहीं हो सकता। सर, आपने कुछ अंश पर आपत्ति जताई है, तो क्या अगला स्टैंड रहेगा आपका इन पे? हमारी मांग है सरकार को ऐसे आपत्तिजनक शब्दों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सर, एक और चीज़ है कि जैसे आज अब मुक्तेश्वर एन सरस्वती ने कहा है कि जो हिंदू धर्म में जो बाबा अपना चमत्कार दिखाते हैं वो जोशी मठ में आकर कुछ चमत्कार दिखाएं, इस पर सर क्या रिएक्शन है? बाबा जी ने सही नस पकड़ी है, ऐसे ढोंगी और पाखंडियों का इलाज यही है कि वाकई में करिश्मा है तो जाकर जोशी मठ में जो हो रही दरार पैदा हो रही हैं उसको रोकने में सरकार का सहयोग दें। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने मुखर होकर अपनी बात रखी है कि रामचरितमानस के कुछ अंश पर उनको आपत्ति है, जिसको लेकर सरकार को अपना
रवैया साफ करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।